आपका घर, आपका घर, मेरे घर नहीं सर, मेरा घर रायपुर में नहीं है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, जहां पे प्रदीप यादव इस वक्त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे हैं। हम जरूर इनसे बात करेंगे कि सर कहां जा रहे हैं। सर कहां जा रहे हैं, कुछ बोलेंगे? आपका घर, मेरे घर नहीं सर, मेरा घर रायपुर में नहीं है। क्या हो गया सर? एक लाइन आप जान रहे हैं कि जा रहे कहां है सर? प्रयास हम कोई कुछ नहीं। आपका यात्रा कहां है? रायपुर नहीं जा रहे? टिकट बनवाते हैं ना तुरंत, अभी कहां जा रहे हैं? कहाँ है जी? आपको उस गेट से जाना था वहाँ? नहीं नहीं नहीं, यहीं से, यहीं से, यहीं से, यहीं से। पॉलिटिक्स तो चल ही रहा है जी, पॉलिटिक्स के लिए तो आदमी आया ही है, तो क्या करें। क्या आपको निर्देश है कि कुछ नहीं बोलना है? आपका निर्देश है तो क्या क्या हुआ? सभी लोगों से बात किया है बाकायदा। अरे खोलिए आपका। हम रायपुर जा रहे हैं, भोक्ता जी जा रहे हैं, चलिए देखते पूछते तो उनसे ही बात कर ले। प्रदीप जी भी आ रहे हैं, हम लोग खड़े हैं। अच्छा, हम जा रहे हैं, अभी भोक्ता जी से पूछे कहाँ ले जा रहे हैं। साथ में दोनों के साथ जा रहे हैं, पूछेंगे तब हम लोग। इधर से बंद है सर, इधर से बंद है, इधर इधर लीजिए लीजिए सर, थोड़ा सा बता दीजिए। हालांकि आप तस्वीर देख रहे हैं कि प्रदीप यादव इस वक्त बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आ चुके हैं, लेकिन मीडिया को संबोधित उन्होंने नहीं किया है, कुछ भी बोलने से वो इनकार कर रहे हैं। हमने कई मर्तबा उनसे सवाल भी किए कि क्या वो रायपुर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। जिस तरीके से सत्यानंद भोक्ता जब एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि वो दिल्ली जा रहे निजी कार्य से, लेकिन प्रदीप यादव जब यहाँ पर पहुंचे तो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की, जहाँ पे जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आज एक MLA और एक मिनिस्टर रांची से रायपुर की ओर रवाना होंगे, लेकिन सत्यानंद भोक्ता ने सीधे शब्दों में कहा है कि मैं रायपुर नहीं बल्कि दिल्ली जा रहा हूँ अपने निजी कार्य से। वहीं दूसरी ओर प्रदीप यादव की बात करेंगे तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन ये बात तो जरूर स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये लोग रायपुर की ओर जा रहे हैं। लेकिन कहीं जब मीडिया से बातचीत के दौरान इन्होंने कहा है कि मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल सकता हूं। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 स्कोप रांची।